अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम नोटबुक स्ट्राइकर बनाना सीखेंगे एमएस वर्ड में, ठीक है। सबसे पहले हम एक न्यू पेज लेंगे कंट्रोल प्लस एन से, देन उसके बाद आपने पेज लेआउट में आना, इसका थोड़ा सेटअप कर लें, ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद लैंडस्केप सेलेक्ट करें, देन उसके बाद मार्जिन में आके नैरो सेलेक्ट कर लें। देन उसके बाद आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद एक शेप लेना है इधर से, शेप आप इस तरह आपने ड्रॉ करें। उसके बाद आपने इसको कलर फिल कर लेना है, सबसे ऊपर वाले में आ जाएं, ग्रेंडेड में आ जाएं, ठीक है, मोर ग्रेंडेड कलर्स, उसमें आपको टू कलर्स चॉइस करने हैं। इधर से आके एक हम रेड लेते हैं, देन उसके बाद इधर से जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लें इधर से मैंने, ठीक है। तो अभी आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वर्टिकल में सिलेक्ट करता हूँ इधर से, इसको इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करें, देन उसके बाद ओके प्रेस करें, इसका आउटलाइन ख़त्म कर लें, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैंने इसको जूम कर लिया है। देन उसके बाद आप क्या करें, आपने दोबारा इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद आपको एक फोल्डेड कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, इसको आपने इस तरह ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, चारों तरफ से कोशिश करें ये बराबर रहे इस तरह, ठीक है। देन उसके बाद इसका भी आउटलाइन ख़त्म कर लें, उसके बाद दोबारा आपने इंसर्ट में आना है, उसके बाद आपने दोबारा शेप में आना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेनी है, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स को आप इस तरह इधर ड्रॉ कर लें, ठीक है। जस्ट आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करनी है, मैं आपको बताता हूँ आप क्या लिखेंगे। आपने इसमें लिखना है नेम सेमी कॉलन डॉटेड आपने लगा लेने हैं, देन उसके बाद आपने लिखना है रोल नंबर, ठीक है, सेमी कॉलन इसमें डॉटेड लगा लें, देन उसके बाद थोड़ा इसको सेक्शन का भी ऑप्शन इसमें दे दें, ठीक है, तो इंटर दबाएं। देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट सेमी कॉलन डॉटेड लगा लें, उसके बाद आपने इसमें एड्रेस लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें क्लास टीचर लिख लेनी है इस तरह, इसको भी डॉटेड कर लें, ठीक है। अभी जस्ट आपने क्या करना है, इसका भी आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे, सिलेक्ट रहने दें इसको, आउटलाइन में आ जाएं, इसका आउटलाइन ख़त्म कर लें। देन दोबारा आपने इंसर्ट में आना है, एक शेप लेनी है आपको, शेप को इधर ड्रॉ कर लें, इसका थोड़ा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। देन उसके बाद आपने इधर से एक पिक्चर ऐड कर लेनी है, पिक्चर मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, आप भी डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाते हैं आसानी से गूगल पे, ठीक है। इस तरह मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसका आउटलाइन हम ख़त्म कर लेंगे इधर से। जस्ट अभी क्या करना है, हमें इनके कॉपी बनाने हैं, ठीक है। कॉपी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने इनको ग्रुप में ऐड कर लेनी है, ठीक है, इनको भी सिलेक्ट करें, देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, एक इसको भी सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, इधर फॉर्मेट में आना है, उसके बाद आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, इसको एक ग्रुप में ऐड कर लें, ठीक है, एक इनका ग्रुप बन गया है। अभी क्या करना है, आपने कंट्रोल प्रेस रखना है, इसको इस तरह से इधर लाना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको भी हम सिलेक्ट रखते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को कंट्रोल प्रेस रखें, उसके बाद नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लें, ठीक है। इस तरह आप जितने चाहें इनके कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह एक आपका बन गया है नोटबुक स्ट्राइकर, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।